अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं अफजल खान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। जैसा कि आज आए हुए कुरला वेस्ट में एएम पिजन लॉफ्ट पे अमित भाई, जैसे देख सकते हैं आज यहाँ पे सारे मौजूद है, राज साहब के शागिर्द जो यहाँ पे सब आए हुए हैं माशाल्लाह, और जो परिंदे भी आज के टाइम पे अमित भाई के लॉफ्ट पे है, लगभग 350 से 400 परिंदे आए हुए, और सुबह से इन परिंदों का वीडियो बनाया गया, और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी भाई, और ये अपने अमन भाई, उमर भाई और ये अपने जुनेद भाई केसर भाई, सबका नाम आज डिस्टर्ब हो रहा है, तो सभी यहाँ मौजूद है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की कबूतरबाजी को जिन्होंने बाहर सात समुंदर पार लेके गया, और मुंबई के बहुत ही चहीते कबूतरबाज हमारे उस्ताद आनंद कुमार साहब, उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज पहली बार इंडियन हाई फ्लायर चैनल पे आपकी वीडियो बनाने का मौका मिला जी, तो आप यहाँ पे आए, कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं कबूतरबाजी के बारे में जो आज मुंबई के अंदर चल रही है, और माशाल्लाह आपने कबूतरबाजी को सात समुंदर पार लेके गया हिंदुस्तान की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स और सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। जी, आज अच्छा लगा मुझे, हमारे जो अमित भाई जो है, जो एएम पिजन लॉफ्ट है, इन्होंने आज इनवाइट किया। आज मैं काफ़ी टाइम से इनके यहाँ आने इन्होंने बोले थे, तो आज इस वजह से मैं आ पाया इधर पे, थोड़ा सा समय निकाल के, अच्छा लगा आने के। और कबूतरबाजी की बात तो ये है कि मैंने काफ़ी सारे अमित भाई के यहाँ कबूतर भी देखा, एक से बढ़ के एक कबूतर इन्होंने अच्छा रखा है अपने पास, और बड़ी अच्छी से अच्छी नस्लें रखी है इन्होंने, काफ़ी मेहनत भी की है इस चीज़ों को लाने के लिए, बाहर से लाना, यहाँ से लाना और सेल करना, और अपने कस्टमर को पूरी अच्छी तरीके से सपोर्ट करना और अच्छी तरीके से उनको सर्विस देना है। आज एएम पिजन लॉफ्ट में मैं आया हूँ तो मैं यही चीज़ सोच रहा था, अमित भाई से मेरी बात हो रही थी, इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि आज इनके जितने भी व्यूवर्स, जो भी अफजल भाई के जो व्यूवर्स है, जो अमित भाई को कॉन्टेक्ट कर रहे और अच्छे तरीके से कबूतर भी अपना खरीद रहे, लेना देना सब चल रहा है। बाकी अच्छा लगा अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, आपने कबूतरबाजी के लिए किया। और दूसरी चीज़ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हमारे अफजल भाई जैसे कि आज इन्होंने बोले कबूतरबाजी की भाई, तो इनमें तो देखो ऐसा है कि हमारे जितने भाई लोग हैं और भी हमारे चाहने वाले भाई लोग हैं, सबका सपोर्ट रहा है हमारे पास, और बाकी कबूतरबाजी तो चलते रहती है, तो इसमें कुछ हमारे बाहर के लोग जुड़े थे जिनको हमारे संपर्क हुए, आज उनको यहाँ पे बुलाया गया, उनको बाकायदा इज़्ज़त दी, उनको नवाजा गया, फिर आज हमारे जितने बंदे थे जो वहाँ गए उनको भी उन लोग ने उसी तरह इज़्ज़त दिए, नवाजा गए, तो ये कबूतरबाजी का एक गेट टुगेदर होता है जो अच्छे तरीके से कबूतरबाजों में होना चाहिए। और रही बात कबूतरबाजी की, मैं यही कहूँगा कबूतरबाजी में जैसे कि इंसान हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता है, तो कबूतरबाजी भी एक ऐसी चीज़ है क्या, उसको भी बहुत बारीकी से देखना होगा। कबूतर में हर चीज़ बारीकी से होना चाहिए, चाहे वो आँख हो, चाहे वो पर के पतले पर हो, चाहे उसके कुंदे कागजी के क्यों ना हो, चाहे उसके पलक हो, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होगा। और जब तुम इस चीज़ को बराबर इसको नोट करोगे, पॉइंट ऑफ व्यू पर लेके आओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर एक कबूतरबाजी का जुनून पैदा होगा और आप खुद ब खुद कबूतर उड़ाने में एक एक्सपर्ट हो जाओगे। और बाकी एक चीज़ ये भी मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कबूतरबाजी तो आप लोग कर रहे हो, जितने भी अपने जो उस्ताद है, सब उस्तादों का आप सबसे पहली चीज़ तो आप उसका एहतराम करो, उनकी इज़्ज़त करो। ये नहीं कि आज उस्ताद ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस गलत दिया तो कल दूसरे उस्ताद को पकड़ लिए। उस्ताद हमेशा तुम्हारे साथ, एक बार जब बन जाता है तो उस्ताद हमेशा तुम्हारे साथ में साथ ही रहेगा, वो चाहे वो अच्छा उड़ाए या नहीं उड़ाओ, लेकिन इज़्ज़त देना अपना काम है। बाकी कबूतरबाजी तो चलते रहती है, कबूतर उड़ाते उड़ाते साथ में ये भी एक चीज़ देना होता है कि इंसान को जब कबूतरबाजी मेहनत करोगे तो तुम्हारा कबूतर उड़ेगा। जैसे कि मेरी पुरानी टीम है, ये जो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, कैसर है, जुनेद है, ये लोग ने वो चीज़ करके दिखाए जो अपने को मालूम है कि आज इनके बदौलत अपन खड़े, आज अपने बदौलत आगे वाले ऊंचे वाले जो मेरे ऊपर के लोग वो खड़े, तो एक लाइन से ये चेन बनती है। जब चेन बनती है तो धीरे धीरे उसको फिर जुड़ता है दूसरे को, तीसरा जुड़ता है, तीसरे को चौथा जुड़ता है, तो ये कबूतरबाजी की लाइन होना चाहिए।
और कबूतर के लिए आप जितना अच्छा मेहनत करोगे, जितना आप उसमें घुस के पूरी तरीके से अपनी पूरा टाइम दोगे, तो कबूतर भी उतना अच्छा तुम्हारे को रिस्पांस देगा। ये कबूतरबाजी की एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी मैं और भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग है कबूतर खरीद रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, तो सबसे पहले चीज़ तो इंसान का पहला वो बैकग्राउंड जानो कि वो इंसान क्या चीज़ है, वो कैसे कबूतर लाता है, कैसे बेचता है, फिर उसके बाद में उससे संपर्क करो, उसके बाद में उससे लेन देन की बात करो। वरना आजकल तो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी यूट्यूबों में भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, कबूतर देते नहीं है, कुछ लोग पैसे लेने के बाद में कबूतर बोलते हैं भेजते हैं, दिखाते कुछ और है और देते कुछ और है। इसमें क्या होता है कि बेचारे जितने और जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले, उनका भी नाम ख़राब होता है। तो ये भाई, ये उन भाइयों के लिए भी एक मैसेज है मेरा कि भाई अपने कस्टमर के साथ में कभी कोई चीज़ फ्रॉड मत करो, जो चीज़ आप दिखा रहे हो वो उनको देना। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको। बाकी अफजल भाई हमारे हैं जो माशाल्लाह आज इन्होंने भी अच्छी चीज़ बताया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अफजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया। तो मैं अमन भाई को कहना चाहूँगा कुछ, क्योंकि अमन भाई के बिना तो वीडियो अधूरी रह जाती है। तो अमन भाई कुछ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडियन हाई फ्लाइंग में आज आनंद सर का स्वागत है। तर आनंद सर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। ये माहौल को जो खुशियाँ मिली है सिर्फ और सिर्फ आनंद सर के आने से, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि आनंद साहब आएँ और गेट टू गेट हम लोग बैठे हैं और कुछ तजुर्बा हासिल करें। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पहले भी कहा था कि बड़ा वो नहीं जो अपना निशान हर जगह छोड़े, बड़ा वो नहीं जो अपना निशान हर जगह छोड़े, बड़ा तो वो है जो छोटों को भी बड़ा बोले। तो ऐसे लोग बड़े हैं दोस्तों जो छोटों को बड़ा बोलते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत। और दूसरा, आप सबको सुन के थोड़ा हैरानी भी होगी, थोड़ी परेशानी भी होगी। सर आज एक सरप्राइज़ है अफजल भाई के लिए। अच्छा। क्योंकि सर काफ़ी सालों से कबूतरों का इन्होंने शौक़ भी करवाया है, लेकिन कुछ राज ऐसे ना सर कि अभी फेसबुक, ट्विटर, ये सबसे सर ना इंस्टाग्राम, वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ना, इंस्टाग्राम से खुल रहे हैं। तो मेरे घर से एक कुछ लाइन आई थी जो खास करके लिए मुझे बोला गया कि भाई सबके सामने मैं इनके लिए रखूँ। तो वो लाइन सर मैं सुनाना चाहूँगा और आप सब लोगों की इजाज़त लेते हुए। तो आज करता हूँ दोस्तों कि प्यार करने का इल्म कौन सा है हमें भी बतला दो, प्यार करने का इल्म कौन सा है हमें भी बतला दो, बरसों से करते आ रहे हो तरीका ही सिखला दो, बरसों से करते आ रहे हो तरीका ही सिखला दो। और माना तेरे चेहरे पे बड़ी कशिश और होठों पे मुस्कुराहट है, और माना तेरे चेहरे पे कशिश और होठों पे मुस्कुराहट है, मेरे कृष्ण कन्हैया सैकड़ों गोपियां है फेसबुक पे, इस सुधामा से किसी एक को ही मिला दो। हाँ। तो अब मैं चाहूँगा कि आनंद सर थोड़ा सा आप नए कबूतरबाजों के बारे में कुछ दो शब्द कहें, कि जैसे हम नए कबूतरबाजों को अगर कबूतरबाज पूछते हैं कि अगर हम कहीं ख़रीदने जाते हैं तो उनको बहुतों को ये नहीं पता कि इलाहाबादी कौन से हैं या छापदार कौन से है, क्योंकि अभी तो कैसे कि कल्सरों को भी जोन सेरा बोल के बेचा जा रहा है। तो सर एक थोड़ा सा कुछ ऐसा बताइए कि भले अगर नए कबूतरबाज कबूतरबाजी नहीं भी समझ पाए तो कम से कम कुछ अच्छे कबूतर कलेक्शन करें, तो उसके बारे में सर अपनी राय दीजिए आप प्लीज़। जी सबसे पहले तो ये अमन भाई ने जैसा बोला है कि कबूतरों के बारे में कलेक्शन होना चाहिए, तो मैं तो सभी व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेट का एक पहचान होती है, हर स्टेट का एक कबूतरों का नाम होता है। जैसे कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के इलाहाबाद कबूतर होते हैं तो उनका एक नाम अलग है। जैसे कि आप मुरादाबाद चले जाओगे तो मुरादाबाद के कबूतर का नाम है, उनका एक अलग नस्ल के नाम हो गए। जैसे मुरादाबाद में अगर तुम्हारे को कलछोचे नाम से नस्ल फेमस होती है तो कलछोचे के नाम से जाना जाता है। संभल में अगर आ गए तो संभल में आपको कल्परे कल्दुमे नस्ल समझ में आती है तो कल्परे कल्दुमे आ गए। जैसे अमरोहा चले गए तो अमरोहा में अगर आपको सेंधे नज़र आते हैं तो वहाँ पर सेंधे नज़र आते हैं। तो जैसे कि अगर बास बरेली हो गए, किरकपुर हो गए, जैसे किरकपुर आप गए तो किरकपुर में जैसे करकरे कबूतर समझ में आ रहे तो करकरे समझ में आते। बाकी एक ही चीज़ है कि भाई कबूतर, देखो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सभी व्यूअर से कि कबूतर सिर्फ तालुकात से मिल सकता है। कबूतर सिर्फ जो है वो तालुकात से मिल सकता है। जैसे कि अगर यदि अगर तुम इलाहाबाद में हो तो इलाहाबाद में अगर तुम्हारा कोई
जानशीन हो जिससे तुम बेशक बहुत प्यार करते हो और जो कबूतरबाजी में है तो वही तुम्हें अच्छी चीज़ दे सकता है, वरना सेलिंग के हिसाब से और कबूतर बेचने के हिसाब से तो आदमी का काम होता है कि कबूतर 50 कबूतर भेज दिया, अब कबूतर 50 तो आ गए उसके अंदर, अब खिलाड़ी के अंदर भी थोड़ा तो उसके अंदर सलाहियत होना चाहिए कि कैसा देखे कबूतर और कैसा ले वे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कबूतर नया उभरता सितारा जो आ रहा है उसको कबूतरबाजी का ज्ञान लेने के लिए पहले कोई अच्छे उस्ताद को पकड़ना होगा, जब वो ज्ञान लेगा तो उसे समझ में आएगा। और ये नहीं कि मतलब कि वो पहले ही स्टार्टिंग में मतलब एकदम पास हो जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले ही बार में उसने कुछ गलत भी निकाला हो जो उसे समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपने कबूतर को देखेगा, उड़ान उड़ रहा है, सब कुछ उड़ रहा है, धीरे धीरे पहचानने में लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने कबूतरों में से वो कबूतर निकाले, चाहे वो कोई भी देश का हो, जो उसे लगा कि मेरा ये कबूतर के अंदर ये चीज़ पड़ी है जिसकी वजह से उड़ रहा है, तो वो कोई भी देश के कबूतर में वो चीज़ ढूंढेगा और जब वो ढूंढ लेगा तो समझ लो वो कबूतरबाज बन जाएगा। बस ये मेरा यही मैसेज है आपको। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुनेद भाई, केशर भाई और उमर भाई भी मौजूद है। उमर भाई भी काफ़ी जानकार है, तो उमर भाई आप भी कुछ अपनी जानकारी लोगों तक पहुँचाए प्लीज़। मैं क्या जानकारी पहुँचाऊँ, जब उस्ताद ने सब बता दिया है, जब उस्ताद बैठे हैं और उस्ताद ने बता दिया था, मैं तो इनके पीछे ही हूँ तो मैं क्या बताऊँ, जो भी बताना था उस्ताद ने बता दिया। तो जैसा कि आनंद भाई ने भी बताया कबूतरों के बारे में, इस वक्त जो अमित भाई के लॉफ्ट पे आए हुए और आनंद भाई से काफ़ी साल से हमारी मुलाकात भी हो चुकी है, मुमरा के कई फंक्शन भी अटेंड किए हुए, हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचाए, उस टाइम तो हम अनजान थे लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई मुंबई में कबूतरबाजी आज के टाइम पे इन्हीं उस्तादों के दम पे चल रही है। तो बहुत अच्छा लगा आज इनसे मुलाकात करके, और अमित भाई के इधर कबूतर की जो आज के टाइम पे वीडियो बनाई गई है माशाल्लाह अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है, और इतने परिंदों की वीडियो अभी तक हमने वो नहीं किया, और वो परिंदे का शौक़ सभी भाइयों ने किया है और अच्छे और रिजल्टेड परिंदे भी है। जी जी बिल्कुल। तो अपने केसर भाई आपने शौक़ किया परिंदे, कुछ तो बताइए परिंदों के बारे में, परिंदे दूसरा परिंदे भी दिखाइए। आनंद सर ये परिंदे हैं, बोलो बोलो बोलो। देखिए इन्होंने ये जोड़े के लिए कबूतर लाए, ये अच्छे खासे कबूतर भी है और बेशक बहुत ही बेहतरीन कबूतर है। अब हर आदमी अपने अपने देश में इसको अलग अलग नाम से बुलाता है, कोई छापदार बोले, कोई क्या बोले, जैसा पाकिस्तान में हो तो उसको डब वाले बोले, हर कबूतर का नाम अलग अलग दिया जाता है। लेकिन ये भी चीज़ है, कबूतर इनके यहाँ देखा मैंने अमित भाई के यहाँ, वाकई में इन्होंने कलेक्शन बहुत अच्छा चीज़ रखा है और अच्छा लगा मुझे इनके कलेक्शन, एक के बढ़ के एक कबूतर इनके पास है। तो जो भी चीज़ है ये आप इनसे बात हो जाएगी आपकी, जो रेट्स वगैरह देना है क्या देना है ये आप सबसे समझ लेंगे आपसे, लेकिन इनके कबूतर बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, मैंने देखा हूँ साइज़दार भी कबूतर है, और ऐसा भी नहीं कि मतलब पर पुर्जे से हर चीज़ से कबूतर अच्छा है, ये नर है ये और ये मादा एक है, मैंने ये जोड़ा देखा बहुत अच्छा लगा मुझे जोड़ा देख के, और एक कबूतर जो इनके पास एक बेहतरीन कबूतर था जिसको ये दुबई वगैरह में इसको पाकिस्तान वगैरह में इसको, ये भी बहुत अच्छा कबूतर है, ये तो हम उसको सुंदरे भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ बोलने वाले कुछ भी भाषा बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन कबूतर है ये भी बहुत अच्छा कबूतर अमित भाई आपका। बस यही कहना चाहूँगा कबूतर तो अमित भाई का बहुत एक से कच्चे कच्चे कबूतर पड़े हुए हमने देखा भी है, अच्छा लगा कबूतर, बाकी इनका सेटअप भी बहुत अच्छा है और तरीके से इन्होंने कबूतर रखे हैं, इनके पास सारे चीज़ के कलेक्शन है, अगर किसी को जोनसिरा जोड़ा चाहिए तो जोनसिरा मिल जाएगा, किसी को डब वाले चाहिए तो डब वाले मिल जाएंगे, किसी को नफ्ते चाहिए तो नफ्ते मिल जाएंगे, किसी को नफ्ते चीने चाहिए तो नफ्ते चीने भी मिल जाएंगे, किसी को अगर वैरायटी टाइप के कबूतर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, तो इनके पास सारे कलेक्शन है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई कबूतर का बारे में जो है अमित भाई ने बाकी बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव किया है, उनके पास शौक़ भी अच्छा है, मैंने काफ़ी कबूतर भी देखा है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं, बाकी अमित भाई भी अच्छे कबूतर उड़ाने वाले हैं भाई, हमने देखे इनको गोरेगांव वगैरह में, बहुत पहले इन्होंने ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है हमारे साथ, तो हमें तो पूरी तरीके से इनका डिटेल मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। जाते जाते अमन भाई को बोलेंगे कि वीडियो एंड में कुछ
अपने शेर व शायरी से। दोस्तों आनंद साहब के लिए मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले उस्ताद राज साहब को आज बहुत मिस कर रहा हूँ मैं क्या सभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर मुस्कुराती गज़ल ना हो तो कुछ ना बोलना अच्छा लगता है ना कुछ पढ़ना अच्छा लगता है। और राज साहब की जो आवाज़ है वो तो सुरीली है माशाल्लाह, लेकिन जो मुस्कुराता वह चेहरा है सर, उसको आज नहीं मिस करो तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आज हम सब हैं, एक महफिल है, एक मुकाम है, लेकिन आज उस्ताद नहीं है तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अधूरी सी बात है। तो इसके लिए मैं आनंद साहब के तरफ से ये जो शेर बोल रहा हूँ ये राज साहब को डेलीगेट करना चाहूँगा। आनंद साहब हो गए, केसर भाई हो गए, जुनैद भाई हो गए, सचिन भाई हो गए, और हमारे अमित मलिक साहब हो गए, और उमर साहब हो गए। तो राज सर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या इंशाल्लाह देखेंगे, तो मैं आनंद साहब की तरफ से और आपके सारे सागिरद की तरफ से मैं कुछ शेर आपको डेलीगेट करना चाहूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास है, आपके बिना सर ये शेर पढ़ रहा हूँ और यही फीलिंग दिल में रख के पढ़ रहा हूँ कि महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास है, खुद में जो जब ते सभी मौसम उदास है। महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास है, खुद में जो जब ते सभी मौसम उदास है, और किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल अब, किस किस से पूछिएगा बेहल सवाल अब, सभी उदास है या फ़कत आनंद साहब उदास है। थैंक यू। और दोस्तों इंडिया लेवल को जो मुकाम आज हासिल हुआ है उसमें आनंद साहब का इतना बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान का तिरंगा जो हमारी शान शौकत है वो जगह जगह पे आज लहरा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी उस्ताद ये बात दिल में रख के कबूतरबाजी जब सिखाए या करें, तो मैं बस छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो आप लोग सब माफ़ कीजिएगा, मेरे बड़े हैं आप लोग। जैसे आनंद साहब ने पाकिस्तान आप कहें लाहौर कराची करें कहें आप, क्योंकि मैं पाकिस्तान भी जाकर आया हूँ, लाहौर कराची भी घूम कर आया था मैं ऑफिस के काम से, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम रास्ते पे चलते हैं ना फॉरेन के, तो हम अकेले नहीं चलते, हमारे देश का कल्चर उसका स्वाभिमान चलता है हमारे साथ। तो उसी तरह जब सुनने में आता है कि आनंद साहब ने उस टूर्नामेंट में योगदान दिया, इस टूर्नामेंट में योगदान दिया, या हिंदुस्तान की जगह जगह पे कबूतरबाजी को लेके गए, तो बहुत प्राउड फील होता है। और चंद लाइन में आनंद सर आपकी इजाज़त से मैं चंद लाइन आपके पेशे खिदमत में करना चाहूँगा। आनंद साहब की तरफ से ये शायर आनंद साहब को मैं देना चाहूँगा, मेरे एक छोटी सी जबान से कहना चाहूँगा कि नज़रें यूँ ना उठाया करो, हर किसी को कहना चाहूँगा ये बात मैं, जो आनंद सर के चाहने वाले हैं, जो आनंद सर से प्यार करते हैं, जो आनंद सर को समझते हैं, उनकी कबूतरबाजी समझते हैं, उनकी उस्तादी समझते हैं, उसके बारे में ये शेयर करना चाहूँगा कि नज़रें यूँ ना उठाया करो, नज़रें यूँ ना उठाया करो, और अपनी ज़िंदगी के चंद हसीन लम्हे निकाल के कभी आनंद साहब के चौखट पे भी तो आया करो, अपनी ज़िंदगी के चंद हसीन लम्हे निकाल के कभी आनंद साहब के चौखट पे भी आया करो, और अपनी तारीफ़ें सुनना तो हर किसी को पसंद है, अपनी तारीफ़ें सुनना तो हर किसी को भी पसंद है, कभी हमारे दुखों में भी शरीक हो जाया करो, और कबूतरबाजी क्या है, आनंद साहब क्या है, खुद ब खुद समझ जाओगे, कबूतरबाजी क्या है, उस्ताद आनंद क्या है, या खुद ब खुद समझ जाओगे, कभी आईने में भी खुद की नज़रें मिलाया करो। शुक्रिया दोस्तों। अफसर भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैसेज है। बाकी अच्छा रहा भाई, अमित भाई से मुलाकात हो गई, इसी बहाने अफजल भाई से भी मुलाकात हो गई, अमन भाई से भी हो गए, हमारे उमर भाई भी है, और हमारे तो ये सब हमारे खास ही हमारे भाई है, छोटे भाई है, इनका को अच्छा लगा। मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, इस चीज़ को कोई ऐसा बुरान मत मानना, मैं जो बात है जो फैक्ट है मुझे लगा जो मैं बता रहा हूँ, मैं कई बार मैं देख भी चुका हूँ, इसीलिए मैं आज ये बोलने जा रहा हूँ। जैसे कि यूट्यूबर अगर वीडियो बनाता है कोई कबूतर का, अच्छे तरीके से वीडियो बनाता है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चैनल वाला हो, वो अपने तरीके से बनाता है, चाहे वो बेचने के लिए निकाल रहा हो कबूतर, या सेलिंग के लिए हो, या अपना शो करा रहा हो। तो भाई ये उन भाइयों के लिए मैसेज है जो कमेंट पास करते हैं ना जो नीचे, तो उनको बराए मेहरबानी ये कि भाई कमेंट जो पास कर रहे हो तो बड़े अच्छे तरीके से पेश करो। कुछ लोग मैं इसके अंदर देख रहा हूँ कि जलस पने में कोई दूसरे तीसरे से कमेंट करवा रहे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमित भाई के कबूतर बहुत अच्छे कबूतर है, तो एक बंदे ने उसको तारीफ़ किया, तो कोई उसी बंदे के अगेंस्ट में दो तीन जो बीच में कमेंट घुसा के वो इनकी क्रेडिट को ख़राब करना चाह रहा है। तो मैं ये भाई इस लाइन को ख़राब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस चीज़ को अच्छे से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है
अच्छे से मिलके धंधा करो, शौक करो, जो करना है अच्छे से करो, लेकिन भाई एक में की टांग मत खींचो, दुश्मनी ऐसा मत निकालो कि भाई अपने दो आदमी को मिला के भाई फलाना के कबूतर पे कमेंट करके उसका धंधा ख़राब करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने दो तीन बार मैंने कमेंट देखा हूँ मैंने अमित भाई के इसमें, जो मेरे को बहुत अलग लग रहा था, बल्कि वो मैं जानता भी हूँ कौन है वो लोग जो ये करना चाह रहे हैं अमित भाई के, जो कामयाबी पे जो मतलब ये करना चाह रहे हैं, मैं उसको भी जानता हूँ। तो जो भी है वो खुलेआम करो तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मत करो। जब कबूतर अच्छे तरीके से जा रहा है, एक उसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कबूतर डाले अमित भाई, और फिर मालूम पड़ रहा है उसी बंदे के दो आदमी लोग ने नीचे और उसके अंदर गलत कमेंट डाल रहे हैं कि ये कबूतर ऐसा है, ये फलाना है। तो जो है आप अमित भाई से डायरेक्ट बात करो, जो भी आपको बात करना है डायरेक्ट बात करो, इस चैनल के अंदर ख़राब मत करो, क्योंकि यूट्यूबर बड़े मेहनत से इसको यूट्यूब से वीडियो बना के इसको लोड करता है, फिर उसके बाद में कमेंट पास होता है, फिर कमेंट पास होने में फिर ये नाम ख़राब होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब होए, तो आप लोग से सबसे मेहरबानी है, जो भी है अगर आपको कबूतर नहीं समझ में आ रहा है या कोई गलत कमेंट भी देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ही बोलो, खिलाड़ी है भाई, कोई अच्छा भी बोल सकता है, कोई ख़राब भी बोल सकता है, अगर आपको अच्छा ही बोलना है बुरा बोलना है तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट मत दिखो, डायरेक्ट अमित भाई को फ़ोन करके उनके मुंह पे बोलो कि कबूतर ख़राब है, तो मैं समझूं कि आपने अमित भाई को डायरेक्ट फ़ोन करके बोला, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस चीज़ के लिए कोई ऐसा दिल पे लेने की बात नहीं, मुझे लगा था मैंने, तो इसलिए आज ये मैंने क्लियर कर दिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे आके, क्योंकि आनंद सर भी यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी देख सकते पटाखे भी फूटे, लास्ट टाइम भी हुआ था इसी धमाके आनंद सर के लिए, अमित भाई ने सरप्राइज दिया है। आप लोग का भी तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और आनंद सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने काफ़ी अच्छी नॉलेज हम लोगों के लिए शेयर की है, आप सभी को शेयर की है। तो आप कमेंट करें और सपोर्ट करें सभी को, जितने भी शौकीन हैं उन्हीं उन सब को सपोर्ट करें, और अमित भाई को भी सपोर्ट करें जो आप लोगों के शौक को बेहतर करने के लिए बेहतर से बेहतर परिंदे यहाँ वहाँ से ढूंढ के, और ये आज भी जो परिंदे लाए वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के परिंदे, जो कि सारे परिंदे 99% उड़े हुए परिंदे टोटल, तो ये आप बेफिक्र ले सकते हैं, लेकिन आपकी पसंद आपकी चॉइस, आपको जैसा जमे आप वो हिसाब से ले सकते हैं। कोशिश करें यहाँ आके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको जो परखना है जो जानना है वो आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये एक आनंद भाई के आने पे एक वीडियो बनानी थी, काफ़ी सालों के बाद मुलाकात भी हुई है और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर से इंटरव्यू भी लिया गया, परिंदों के जानकारी भी ली गई है। तो आप सभी लाइक शेयर करें, और इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारे अमित भाई के सारे परिंदों की आएगी, पार्ट वाइज है और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे अच्छे परिंदे हैं, तो आप वो लेने की कोशिश करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और जिनको जो भी कमेंट करना है, अगर कबूतर में कोई नुक्स है या कोई ऐब है जो आपकी जानकारी में नज़र आ रहा है, तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, जिससे हमें भी मालूम पड़े कि हमने जो चीज़ दिखाई है उसमें ये चीज़ गलत है कि सही है, वो मालूम पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से हम सभी को सपोर्ट करते रहे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।